अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम टू माई बेक यूट्यूब चैनल। और आप लोग देख रहे हैं द व्लॉग फैक्ट्री, और आज हम जाने वाले हैं मिड नाइट चिकन। जो 1K सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, उसके सेलिब्रेशन में हम लोग जाने वाले हैं। और हम लोगों ने वो सेशन रखा था सवालों जवाब का, तो उसमें एक विनर हुआ है, तो उस विनर को हम लेंगे काठियावाड़ी से, फिर जाएंगे इंशाल्लाह लाजपुर। तो गाइज मिड नाइट पे बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो गाइज वीडियो छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ये ऊन पाटिया में पहुंच गए हम। बस अब सामने बस आ ही गया है काठियावाड़ी, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो काठियावाड़ी। ये भी वो भाई कहाँ पर है, देख सकते कितना रश है काठियावाड़ी में। ये देख सकते हैं हमारे व्यूवर्स जो कि, तो गाइज ये हमारे सब्सक्राइबर मिल गए हैं। अब चलते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, फटाफट मिडनाइट जाते हैं, फिर आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देंगे। सो गाइज फाइनली हम लोग यहाँ पर मिडनाइट पर आ गए, जो कि लाजपुर में है। और तो गाइज बहुत ही अच्छा लगा मिलकर भाई से, और अब पार्टी शार्टी करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग सिनेमैटिक में देख लीजिए पहले मिडनाइट। ये देख सकते हैं बच्चों के लिए यहाँ पर एक्टिविटी भी है, देख सकते हैं बहुत ही, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पर। तो गाइज चलिए अब अंदर चलते हैं। तो हम लोग इंशाल्लाह यहाँ पर बैठेंगे। तेरा जहाँ मन करे वहाँ बैठ तू भाई साकी, कहाँ बैठेगा तू? मैं तो यही बैठूंगा मेरे बाजू में। ओहो, तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बैठ गए गाइस। ये देख सकते हैं हमारे सब्सक्राइबर जो कि बाबा नवाब, और इनका नाम है रिजवान। तो मेनू भी आ गया है, देखते हैं इसको तो खोल आराम से खोलेंगे, फिर पहले कुछ बातें कर लेते हैं जो अहम अहम बातें थी। ये देख सकते हैं गाइस कितने सारे बच्चे आ गए, ये इसमें सबसे ज्यादा होशियार नहीं है, बोले एडिटिंग में निकाल देंगे, तुम्हारे को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और डिसलाइक दे देंगे। ओ भाई तू ऐसा मत करे। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे, बोले डिसलाइक दे देंगे आप लोगों को अगर आपने एडिटिंग में निकाल दिया तो। तो गाइज हम बात करेंगे अभी हमारे सब्सक्राइबर से, जो कि ये विनर कैसे हुए, रिजवान भाई जो कि बाबा नवाब जी। तो ये वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद में कैसे मतलब आपने ढूंढा? फ्लावर गार्डन है ना, फ्लावर गार्डन वहाँ पे आपने वीडियो बनाई थी, तो वहाँ से मैंने आपको वो किया था, सब्सक्राइब किया था। अच्छा। तो फिर मुझे वीडियो आती रही आपकी, मैं देखता था रोज, फिर आपने सक्का सबाव की वीडियो डाले थे वो भी देखा था मैंने। आपने कैसे तुरंत ढूंढ लिए, कौन सी वीडियो देखी आपने सबसे पहले, मतलब तलाश कैसे करे आपने? सबसे पहले आपने जैसे बोला था क्या पांच वीडियो में देखी है। हाँ। तो सबसे पहले तो ये बात है कि आपने मदीने का जिक्र किया था ना वहाँ पे, तो इसके लिए बहुत अजमेर शरीफ का, तो दिल को छू गया था, मतलब बात तो दिल को छू के गई थी, इसीलिए मुझे याद आ गया था क्या हो ना हो ये बात वही वीडियो में किए थे। मतलब आपने पहले देखा था वो वाला ब्लॉग, तो आपको याद था मतलब कि? हाँ, ये याद। फिर आपने अंदर जाके वो जाके में जाके कंफर्म किया। अच्छा, तो गाइस देख सकते हैं ये भाई ने मतलब के याद रखा था, पहले काफ़ी टाइम पहले देखा था, मतलब के तकरीबन चार महीने तो हो ही गए होंगे वो ब्लॉग को, 4 या 5 महीने तो हो ही गए होंगे। तो वो भाई ने उस टाइम देखा था और इस टाइम भी याद था, मतलब कि उनको याद था, उन्होंने एक बार जाके कंफर्म किए फिर देखे। और बाकी जितने भी सब्सक्राइबर है उन्होंने कमेंट किए, तो मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, और बहुत बहुत मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जितना कि आप लोगों ने प्यार बताया कमेंट पे भी, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था उसमें, और बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किए थे। और बट असल में ये हुआ कि मैंने उसमें ये कहा था कि जो फर्स्ट कमेंट करेगा, जो पहले कमेंट करेगा वो विनर होगा, तो ये हमारे भाई विनर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देख सकते हैं मेनू भी आ गया है हमारे हाथ में, फिर ये देख सकते हैं मिडनाइट रेस्टोरेंट चिकन। तो हम अभी मेनू खोलते हैं, ऑर्डर करते हैं हमारी फेवरेट तो पठानी क्यों साकिब भाई? पठानी बिना चैन नहीं पठानी बिना नींद नहीं
तो असल में हम लोग यहाँ पे आते हैं तो पठानी अक्सर मंगाते हैं, और यहाँ का जो फेवरेट टिक्का है रशियन टिक्का वो भी हम लोग मंगाएंगे इंशाल्लाह। पठानी हमारे सब्सक्राइबर को हम पूछेंगे एक पठानी मंगाई है फिर क्या मंगाई आप जो मंगाना चाहते हैं मंगाइए। ओहो हमारे सब्सक्राइबर तो भाई आप जो मंगाना चाहते हैं वो मंगाइए। तो इंशाल्लाह देखते हैं मेनू देखते हैं फिर उसके बाद में ऑर्डर करते हैं। देख सकते हैं सलाद तो आ गया बट हम लोगों ने अभी तक ऑर्डर नहीं किया तो फटाफट ऑर्डर करते हैं। क्या नाम है भाई? ये भाई का है ना बर्थडे है अभी। क्या नाम है? अदनान। नाम है भाई का। अदनान नाम है, माशाल्लाह नाम है। हैप्पी बर्थडे। तो आप लोग भी कमेंट करके विश कर देना। वाटर आ गया मगर जो आना था वो नहीं आया अभी तक। ये है पठानी। तो गाइस फाइनली हम लोग का आ गया ऑर्डर। ये पठानी और ये सलाद, ये ग्रीन सलाद, ये रेड सलाद है, इसमें मतलब के गोभी वगैरह लग रही है मुझे, और ये गोभी का टमाटर और ये प्याज। ये है रशियन टिक्का आया है। हाय इसको देख के मुंह में पानी आता है। तो गाइस बाकी का ऑर्डर आने में है तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ये सबसे पहले हमारे सब्सक्राइबर्स शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह रखा है। बहुत ही मजेदार है। अब हमारे आफ्ताब भाई देख सकते हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह। क्या कहना भाई मेरी बारी आने तो पानी आ गया। आप लोगों को याद होगा अलबेक वाला व्लॉग देखा होगा तो फैजान भाई को लास्ट में हम लोगों ने वो किए थे। फैजान भाई लटक गए थे, कुरकुरे दिए थे लास्ट में उनको, तो वैसा साकिब को डर लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि मेरे नसीब में सिर्फ ये सलाद बचेगा। अब रशियन टिक्का चखते हैं। लाजवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तू हमारे मुंह में पानी ला रहा है, इसका मतलब हमारे भाई जो भी रोजे की हालत में जो भी देख रहे वीडियो उसे माफी चाहता हूँ। ये बात तो हमने भूलना ही भूलिया। रिजवान भाई ने बहुत ही अच्छी बात बोली, रोजे की हालत में जो भी देख रहे होंगे तो मेरी तरफ से भी मैं माफी मांग रहा हूँ। देखो ये इधर लगाने के लिए देते, ये ऐसा लगाइए, चटनी ऐसा डालिए और फिर इस ये हमेशा ये भाई ये देखिए जल्दी में भूल जाता है। और ये देखिए अभी मैंने चटनी डाला और ये डाला एक नंबर। और अब ये देखिए ये भी मैं डालता हूँ, ये सलाद जो गोभी वाला सलाद है आप खाता हूँ मैं। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह बरकतिल्लाह। और इस बार का तो बहुत लजीज लग रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस साकिब भाई ने आपको इसका रिव्यू दे दिया, अब मैं आप लोगों को रिव्यू देता हूँ। आइए। अरे ये क्या है? पेशावरी ग्रीन में भी और इसमें भी है, ये देख सकते हैं हम, ये ट्राई करेंगे। देख सकते हैं गाइस साकिब भाई ने तो उनका रिव्यू दिखा दिया आप लोगों को, तो मैं दिखाता हूँ आपको। बिस्मिल्लाह। आहा मज़ेदार, सबर का फल मीठा होता है। सबर तो मैंने किया था पर फल इसको मिल गया। ट्राई करिए भाई। सब्सक्राइबर की बारी है। बहुत ही बड़ा पीस है ये। और बहुत गर्म भी है तो बहुत नहीं जाएगा अभी, बहुत ज़्यादा ही गर्म है। ये भाई ने हार मान गया अब मैं। ये देखिए ग्रीन तरफ से भी ले रहा हूँ मैं और वाइट तरफ से भी ले रहा हूँ। तो गाइस ये लोगों को गरम लग रहा है, ये देख सकते हैं इधर आइए। बिस्मिल्लाह भाई मेरा एक टिक्का वो रशियन टिक्का तो मेरा रह गया। मज़ा आया, ये लोग गरम गरम में रह गया। नहीं तो अब मैं रशियन टिक्का जो मैंने ट्राई नहीं किया था ट्राई करता हूँ। बिस्मिल्लाह वाला बरकत। ये देखिए आए हाय हाय पठानी का तो एक
एक अलग ही मजा रहता भाई। आप लगे रहो वरना हमारे चक्कर में आप भूखे रहोगे। कितना बड़ा पीस उठा लिया इसने, ये देख सकते हैं क्या करेंगे भाई। तो भाई मेरा कहा, मेरा नंबर कब आएगा भाई? हाँ लाजवाब। अक्सर मैं व्लॉग में रहता हूँ और कोई बात नहीं, मतलब बदला ले रहा है। तो गाइज अब फाइनली राइस आ गई है और सलाद और ये और फिर चटनी ग्रीन के देखे के कैसा लगता है। आप लोग ट्राई मत करना आपके पेट के हिसाब से। भाई बहुत ही मजे ले लेके खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाता ही हूँ, मेरे को आदत ही ऐसी है, घर पे भी मैं कुछ ना कुछ ऐसा करता हूँ। बिस्मिल्लाह। मिक्स खिचड़ी। लो भाई और सच में अच्छा लग रहा है, वो मलाई डाल के खाओ। ये देखिए मलाई लिया, ये डाला, इसको मिक्स किया, मगर इसमें चिकन तो नज़र नहीं आ रहा है, चिकन इसमें से लेते हैं। ये चिकन और ऊपर चिकन, नीचे मलाई, उसके नीचे राइस। एक चीज भूल गया भाई, रुक जा। नहीं वो नहीं चलता है। मुझे सलाद बिल्कुल भी नहीं चलता है। बिस्मिल्लाह। बहुत लाजवाब है। कैसा लगा मेरा मिक्स? खिचड़ी नहीं वाला, खिचड़ी नहीं वाला। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, बहुत प्यार करते हैं आप लोग, बहुत ही सपोर्ट देते हैं, बहुत ही अच्छा लगा मुझे दिल से। आप लोगों को बहुत दिल से शुक्रिया और मैं ये देख सकते हैं, दिल से शुक्रिया। ये लो भाई, साकिब भाई तो सोचिए देख के रुकते ही नहीं है बिल्कुल भी। ये है सोसियो, हमारे सूरत की ब्रांड जो कि बहुत ही बेस्ट है और इसको आप पूरे हिंदुस्तान में ढूंढेंगे ना नहीं मिलेगी, क्योंकि सूरत में ही मिलेगी आपको। और हम लोग बाहर जाते हैं तो इसे पीने के लिए तरस जाते हैं, सोसियो को पीने के लिए तरस जाते हैं बिल्कुल। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत ही लजीज खाना खिलाया मेरे रब्बुल आलमीन ने। सोसियो पीते हैं, सोसियो पीने के बाद बिल देखते हैं कितना होगा। क्यों साकिब भाई? बिल देखते हैं कितना आता है क्या आता है। असल में तो मेरे भाई ने खाए नहीं बिल्कुल भी। अलबेक जितना आता है या अलबेक से ज्यादा आता है? हाँ देखते हैं, अलबेक से ज्यादा आता है या अलबेक से कम आता है। क्यों देख सकते हैं बिल हमारे भाई खोलेंगे। 1254 रुपए। तो गाइस 1254 रुपए बिल आया है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी अल्लाह का करोड़ बार ऐसा ने इतना लजीज लजीज खाना खिलाया और 1254। तो गैस बिल दे दिया है और अब हम हमारे पार्सल लेते हैं। दूसरा पार्सल ये है राइस का पार्सल, दोनों पार्सल लेते हैं। पावर बैंक तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे हम। भाई कैसा लगा आपको यहाँ का? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, खाना भी बहुत लजीज था और बहुत ही खुशी हुई कि आपके 1000 के 1K पूरा हो गया है, बहुत ही खुशी हुई है। तो भाई को आप लोग सपोर्ट करिए और ये मेहनत कुछ कम नहीं है, इनसे जेब से पैसा जाता है सब। ये मेहनत करने के लिए बहुत मेहनत, पापड़ बेलना पड़ते हैं सबके लिए, जब जाके ये सब कुछ होता है और हासिल होता है। तो आ गया है हमारा पे, कितने आए इतने आए वापिस। खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही कम पैसों में ज़्यादा खाना खिला दिया मेरे रब्बुल आलमीन ने, और अल्लाह हमारी रोज़ी में भी बरकत दे और आप लोगों की रोज़ी में भी बरकत दे और मिडनाइट वाले की रोज़ी में भी बरकत दे और मेरे भाई की रोज़ी में आमीन। तमाम मुसलमानों की रोज़ी में खूब खैर बरकत अता फरमाए अल्लाह ताला। तो चलिए अब हम हमारा पार्सल उठाते हैं, पावर बैंक मत भूलना भाई। तो अब जाएंगे उधर पान के गल्ले पे और फिर आपको सारा व्यू दिखाएंगे। ये वेनिला, ये चॉकलेट है और ये सादा रेगुलर है। जो तो सादा खाया जाए या फिर क्या खाया जाए? क्या खाया जाए साकिब भाई? मैं तो सादा ही लूँगा। सादा लेगा ये हालत
नहीं है कुछ खाने की, उसके लिए सादा ही लोग। चलो एक एक चॉकलेट, एक और एक वेनिला, और एक वेनिला दे दो, तीनों ट्राई कर लो। एक चॉकलेट दे दो और एक सादा दे दो रेगुलर। ये है हमारे विनर जो कि रिजवान भाई, इनका नाम है रिजवान भाई, बट बाबा नवाब के नाम से इनकी आईडी थी। और उस आईडी वाला खा, ओ भाई ये साकिब भाई का इधर आ गया और मेरा उधर आ गया, चीटिंग नहीं गेम में। तो ये वाला खाते हैं, पहले साकिब भाई खा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा खाऊंगा मैं, इतना बड़ा मेरा मुंह नहीं है। ओ भाई पठानी के टाइम पे मुंह खुल जाता है इसका भाई, वो पठानी है, ये पान है। ये चॉकलेट है बोल के देगा, बोल के देगा भाई। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है, टेस्ट तो माशाल्लाह है। ये भाई ने कौन सा खाया? वेनिला। वेनिला वेनिला कैसा है? तीनों ने अलग अलग टेस्ट। खाते में कैसा है? खाते में तो आप लोग खाते रहते, क्या बताने का आपको। सो गाइस फाइनली हम लोग ने मिडनाइट पे पार्टी शार्टी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही मज़ा आया मुझे तो पार्टी शार्टी करके। बट जो सब्सक्राइबर है, जो हमारे मेहमान थे, वो भाई ने तो बिल्कुल भी नहीं खाए, क्योंकि उन लोग वो भाई ने इफ्तारी फुल डिच करके आए थे। बट वो भाई ने पहले कम कर लेना चाहिए था, इफ्तारी का पता था तो एक दो खजूरें खा के उठ जाते थे भाई। तो वाकई में बहुत ही मज़ा आया, आई होप कि आप लोगों को भी बहुत ही मज़ा आया होगा इस व्लॉग में। तो फटाफट से कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके व्लॉग बनाते हैं गाइस, तो आप लोगों का भी थोड़ा फर्ज बनता है, फर्ज बनता है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसको हम लोग ऐसे कंटेंट हर बार लाते रहेंगे, जैसे टू के हो गए इंशाल्लाह, उसमें भी लाएंगे, थ्री के हो गए, ऐसे आते रहेंगे हमारे कंटेंट इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो गाइस चलिए, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।